कृष्णा सखियों के साथ में ये लीला करते करते आए। एक समय कृष्णा अपना बहादुर दिखाया, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सत्ययुग में, सत्ययुग से पहले मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुई है और ब्रह्मा मेरे आदेश पर ही ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की है। ज्ञानों में परम विहम जत विज्ञान समन्वितम, मैंने ब्रह्मा को सारे ज्ञान प्रदान की थी, हैं? खैर उनसे विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुआ। गोपियों ने कहा तुम तो हर्ष में डी गांगना तेरा तेरा काम है, इसलिए कभी राधा रानी तो तुम्हारे साथ में युद्ध करते करते तुमको ही फैल कर रणस्थली ना, जहाँ पर राधा जी को साथ में युद्ध किया तो राधा रानी कृष्ण को बचा रही थी, और जब कृष्ण सखाओं को साथ में श्रीदा मधुमंगल को साथ में तो तेरे को हम पछाड़ देते हैं, तेरे को कभी घोड़ा बना देते हैं, हैं? तो हमारे दोस्त हो और तुम गोपाल हो, तुम कह रहे हम भगवान भगवान है। अब कृष्ण बोले तुम लोग वाला ये जो गोपियां कंडा बीनने वाली गजी मंथन करने वाली तुम हमारी क्या महिमा जानते हो, बोले तू ऐसे बोलते रहते हो, इतने में बोले देखोगे बोले क्या दिखाओगे। तो कृष्ण यहीं पर यहाँ पर उन्होंने प्रकट कर दिया, क्योंकि जो ये ब्रज भूमि है ना, कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ के सब के कलिकुल जो कोटि कोटि काशी है, हर गोपिन के द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास काशी। इसलिए विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज मंडल में ही समाया हुआ, अगर ये ब्रजमंडल 84 पुरुष को परिक्रमा कर लिया ना, कहते भैया और तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं, लेकिन हम चंचल चंचल मय है ना, हमारा विश्वास नहीं, जब तक किसी पहाड़ गोबर नहीं उठे ना कब तक हजार सामने गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, यमुना गंगा तो सारे सब कुछ ब्रज में ही है, लेकिन यमुना में नहीं, कहीं कीचड़ का कहीं तालाब होगा ना, वहां पर ना कर जाएंगे, बोले इतना दूर गए थे, हैं? इतना दूर गए थे और इतने सीढ़ी 700,000 सीढ़ी चढ़ करके आए, इसलिए लोग कुछ ज्यादा कुछ करे ना उनको लगता है हमने कुछ करके आए, ये लोगों को विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो ब्रजभूमि है अगर इसको कोई परिक्रमा कर लिया, सारे हम लोग चार धाम गए थे ना, सारे तीर्थ वहीं पर है, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर, इसलिए यहाँ पर आने पर आप लोग अगर खीर समुद्र कहते ना खीर समुद्र, वहाँ जाने का जो फल है उससे ज्यादा महत्व इसमें आचमन कर, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, ये साधारण एक तालाब है क्या, ये खीर समुद्र है, कृष्ण यहाँ पर खीर समुद्र को प्रकट किया है, उससे करोड़ गुना ज्यादा इसका महत्व है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण खीर समुद्र प्रकट किया। कृष्ण स्वयं अनंतनाग पर देखा ना, वो जो विग्रह है अनंतनाग पर शयन की हुई है, स्वयं हमारी राधा रानी लक्ष्मी की भाव में, वो तो सर्व लक्ष्मी मई राधा रानी है, इसलिए उन्होंने राधा की लक्ष्मी भाव से उन्होंने चरण की सेवा की, और जितने सारे हैं ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब शांतागारम सबके सब पूर्ति करने लगे, इसलिए ये खीर सागर है। आप लोगों ने दर्शन किया, चरण चिन्ह सबसे ज्यादा चरण चिन्ह आपको यही मिलेगा, दूसरे जगह पर और चरण चिन्ह काम में बने में गए होंगे, ऊपर एक चरण चिन्ह है, नंदगांव का पीछे देखोगे एक छोटी सी चरण चिन्ह, लेकिन सबसे ज्यादा जो चरण चिन्ह गुरुदेव कहते थे हमको तो यहाँ पर केवल आप लोगों ने कुछ चरण चिन्ह देखा, लेकिन कृष्णा आते समय अभी कृष्ण कितना साल हो गए, 5,500 साल है, इतना साल से बारिश गर्मी सर्दी पड़ता है, धीरे धीरे गुरुदेव कहते थे, धीरे धीरे कहते हम जो अपना गुरु जी को साथ में आते थे महाराज बोलते थे, और बहुत सारे चरण चिन्ह हमको देखने को मिलता था, अभी धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये चरण चिन्ह धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, घिसते खे होते 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 अभी अभी भी कुछ चिन्ह चरण चिन्ह ये चिन्ह है। इसलिए कृष्ण यहीं पर उन्होंने वृक्ष को नीचे खड़े होकर जब बंसुरी बजाई, जो जहाँ पर थे है, जो जहाँ पर थे वहीं पर ही सबके सब बंसी ध्वनि से है, बंसी ध्वनि से, इसलिए भागवत में बताया त्रिसर्ग मृषा, त्रिसर्ग मृषा मतलब कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके चंद्रमा जहाँ के तहत एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, चंद्र सरोवर गए थे ना ब्रह्मा का, एक दिन तक चंद्रमा वहीं पर खड़े हो गए, और त्रिसर्ग मतलब गिरिराज गोवर्धन बाग पर्वत है, हैं? कहते क्या होता है पर्वत पानी और पानी पर्वत बन जाता है, और त्रिसर्ग कहते और क्या होता है, त्रिसर्ग एक हो गया चंद्रमा, और जो यमुना नदी जैसे ऐसे बहती है बंसी ध्वनि सुनकर को वो उल्टा बन लग जाती, उल्टा बहने लग जाती है ये, इसलिए यहाँ पर सब कृष्ण का तरह तरह का यहाँ बहुत सारे चरण चिन्ह यहीं पर, ये चरण चिन्ह है, ये आसपास में बहुत सारे गांव हैं,
यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है कामर। कामर मतलब होता है काम, होता है प्रेम। एक समय कृष्ण बंसी ध्वनि की तो जिसमें ब्रज गोपियां राधा रानी कृष्ण प्रेम में जहाँ पर विभोर हो गए, इसलिए एक गांव का नाम है कावर कामर। और ये अर्थ कहते कामर है, ये सूरदास जी एक सुंदर पद को लिखे हैं। वो अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन करके ये सूरदास का जो पद है तो कि क्या कहते हैं, मैया मेरी कामर चोर लई मैं बन जात चरा बन गईया सुनी देख लई मैया मोरी कामर चोर लई एक कहे काना तेरी काबर जमुना जात बही एक कहे काना तेरी काबर सुरभि खाए गई। ये सूरदास का पद है। इसलिए मैया जसोदा के पास में कृष्ण मचले बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पता, बोले कहा भयो, बोले गैया को चराते चराते मैंने भूल से कैसे अपना काबर को मैंने काली जो कंबलिया को मैंने छोड़ दिया। तो ये गोपियों ने सोचा आज कन्या को साथ में हम क्या करेंगे, हंसी दिलाई करेंगे। उन्होंने क्या किया, उनकी जो कबल या कमलिया थी ना उनने कहीं छुपा दी। जब छुपा दी कृष्ण ने बोले भैया मेरे कबली कमलिया कम्बली कहाँ है, जो कम्बली कहाँ है। तब गोपियां यहाँ पर ये कह रहे बोले कन्हैया तेरी जो काबर है ना है? जो काबर हमने देखा जमुना में बहते हुए जा रहा था। कुछ गोपियों ने कहा बोले हमने क्या देखा जानते हो, जैसे कभी कभी हंसी दिलाई करते ना, बोले हमने तो देखा तेरे जो गैया तेरे जो कावर है ना इसको सूरभि ने खा गया तेरी कावल। हाँ सूरभि ने खा गई। फिर दूसरी तीसरी गोपी कहती है एक कहे नाचो मेरे आगे ले दूंगी तो नहीं सूरदास जासो मती के आगे आसुअन धार बही मैया मेरी काबर चोर लई। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते हैं कन्हैया तेरे को हम तेरे काबर दे काबलिया तो दे देंगे लेकिन थोड़ी सी नाच करके दिखा दे, ठुमुक ठुमुक का नाच करके दिखा दे फिर तेरे काबर हम दे देंगे। इसलिए ये सूरदास जी कह रहे हैं कृष्ण मैया को सामने रो रहे हैं बोले मैया मेरी काली कबरिया दे। इसलिए ये गांव का जो नाम है कहते काबर गांव है, कहते उसको पास में यहाँ पर साइड देखा एक गांव है पय गांव है। पय गांव मतलब दूर। एक्चुअली कृष्ण सखाओं के साथ में दिया चलाने के लिए गए। अभी कृष्ण आज घर से कोई नाश्ता ही नहीं लिए, कोई हाँ कोई भोजन नहीं लेकर नहीं गए उसको। जिस गांव में कृष्ण बलराम जा करके दूध पिए, पाव मतलब होता है दूध, पय मतलब होता है दूध, और जहाँ पर दूध पिए थे वो गांव का नाम है पय गांव है। इसलिए इसका आस पास में यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत कुछ यहाँ पर उन्होंने प्रसंग दिया है। आस पास में बहुत सारे गांव है यहाँ पर कृष्ण जैसे जैसे लीला की इसी लीला के अनुरूप गांव का नाम भी वैसे वैसे रख लिया है। इसलिए कथा तो बहुत सारी है, कथा सुनाने जाओगे तो हमारे जाना ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्रणाम करो और यहाँ के चरण धूलि लगाओ और हम सब लोग आज ये जो स्थान है हमारे जो ब्रजमंडल जो परिक्रमा की आज ये अंतिम दर्शन है, ये हमारी आज ये अंतिम दर्शन है। इसलिए प्रार्थना करो ब्रजभूमि में, क्योंकि नारद जी भगवान से वरदान लिया था अगर कोई वैष्णव का अनुगत्य में इस उल्लास स्थलियों में जाए और वहाँ पर बैठे तो बैठ करके उसी कथा को सुने और वहाँ का जो धूल को अगर शरीर पर लगाए क्या होगा, एक दिन उसका हृदय जल्दी से जल्दी अनर्थ से मुक्त हो जाएगी और कृष्ण जहाँ पर जो लीला की है वो लीला इसका हृदय में प्रकाश होगी। नारद जी ने कृष्ण से वर मांगे थे, इसलिए हम लोग को जो ब्रजमंडल परिक्रमा करना है इसी आस से ही हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे हृदय से अनर्थ दूर हो जाए और भगवान की दिव्य लीला हमारे हृदय में प्रकट हो। बोले श्री सह साई की, बोले श्री खीर समुद्र की, बोले श्री चरण पहाड़ी की। हाँ देखो ये चरण चिन्ह क्यों देखने के लिए आए, एक दिन उत्तम प्रभु ने वहां से बहुत देर भजन गए।
अरे बोलो अरे चरण बाड़ी में एक ना पूछो प्रभु तुम्हार चरणा अशोक भया कहते हम क्यों ये चरण चिन्ह दर्शन करने के लिए आए, हम कहते ना ठाकुर जी की चरण को स्मरण करो जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते उनका चरण में तीन चीज है, क्या क्या चीज है, क्या क्या तीन चीज क्या क्या, बोले एक अशोक जहाँ पर शोक नहीं, एक अभय जहाँ पर भय नहीं, और जहाँ पर अमृत जहाँ पर मृत्यु नहीं, का चरण में ही ये तीन चीज है। इसलिए इस चरण को पाने के लिए श्री महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणिसार चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन प्रगामी। जिन चरण को ब्रह्मा शिव शंकर नारद लक्ष्मी जिस चरण को हर समय अपना गोद में लेकर रखती है, ये चरण चिन्ह है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चरण कमल उछलेनो सदा सा करी चरण कमल स्थान। इसलिए कहते हैं प्रभु आपका चरण में जो अमिया मतलब अमृत क्या हो रहा है, उछले उछले मतलब छलक रहे हैं, तुम्हारी चरण में अमृत छलक रहे हैं। इसलिए हम क्या करें, एक भौरा बन करके तुम्हारी चरण को में जो अमृत है वो अमृत हम आस्वादन करें। और कृष्ण के चरण में विशेष करके कितना चिन्ह, 19 चिन्ह है, कितना चिन्ह है, 19 चिन्ह है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रम ठाकुर कहते हैं उसमें 19 ही फल है, भगवान के चरण को स्मरण करने पर वो 19 ही फल है। पहला फल क्या है, उसमें चक्र है, अगर उसको कोई चक्र को स्मरण करना जितने जीवन में शत्रु तुम्हारी सारे शत्रु विनाश हो जाएंगे, इसको याद कर लो। अगर कोई ज्यादा बड़े शत्रु हो ना, सबसे बड़ा शत्रु तो अदर वेद है, काम क्रोध लोभ मोह ये सबसे बड़े शत्रु है। दूसरा लाभ जा है, गेहूं है, अगर उसको कोई स्मरण करेगा ना, जिसको घर में रुपया पैसा की कम हो अब उसको स्मरण करो घर में माँ लक्ष्मी खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, उनकी चरण में स्वस्ति है, याद कर लो जो चीज मांगो वही मिलेगा। स्वस्ति स्वस्ति मतलब मंगलवाची, अगर कोई मंगल जीवन में चाहते उसको स्मरण करो तुम्हारे घर में मंगल मंगल होगा। उनकी चरण में, उनके चरण में ध्वजा है झंडा है, उसको स्मरण कर तो सारा दुनिया तुम्हारी जय जयकार होगी। उनकी चरण में कमल है, अगर कमल को कोई स्मरण करना कमल में खुशबू निकलती है, अगर उसको स्मरण करोगे तुम्हारे जीवन में भी बड़ा खुशबू निकलेगा, जीवन बड़ा आनंदमय रसमय तुम्हारी जीवन होगा, बड़ी सुखमय आनंद होगा चरण। इसके उनके चरण में और क्या है, उनके चरण में शंख है, अगर शंख को कोई स्मरण करना शंख क्या, शंख कब बजा तो विजय, शंख विजय है, अगर जगत में कोई विजय पाना चाहते हो क्या करो, उनके चरण में शंख को स्मरण करो। उनके चरण में गदा है, हाँ गदा क्या करे, गदा से मारते हैं, गदा से मारते हैं, हाँ अगर कोई शत्रु है ना तुम्हारी गदा को स्मरण करो क्या होगा, उसको मार करके चकना चुर कर दे। इसलिए वहाँ पर अलग 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 चिन्ह, वहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताए हर चिन्ह की ऐसे कोई चीज है ही नहीं जो कृष्ण चरण में नहीं है, कृष्ण चरण में सब कुछ है। इसलिए कहते भैया उनकी चरण का स्मरण करो जीवन का सब दूर हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण के चरण चिन्ह की चरण पहाड़ी की गौर ब्रह्मानंद।